वेलकम टू लिटिल कन्वर्सेशंस। मैं हूँ सना और एक बार फिर से आ गया है 20 मार्च। 20 मार्च मतलब वर्ल्ड स्पैरो डे। हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया, हमने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर लिया, हमने विमेंस डे, साइंस डे, नो डिस्क्रिमिनेशन डे, नो स्मोकिंग डे और पता नहीं कौन कौन से डे मना लिए। पर यार एक बार उनका भी तो सोचो जिन्होंने सैकड़ों साल से हमारा साथ नहीं छोड़ा और अब तो वो दिल्ली की स्टेट बर्ड भी बन गई हैं। तो आज का वीडियो है वर्ल्ड स्पैरो डे स्पेशल, जिसमें मैं देने वाली हूँ अपने स्पैरोज को स्पेशल गिफ्ट। अगर आपके घर के आसपास भी स्पैरोज आती हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा, और नहीं किया तो अब करिएगा कि इस टाइम मतलब फरवरी मार्च से वो आपके घर के आसपास या घर के अंदर ज़्यादा दिखने लगती हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मार्च से लेके अगस्त तक होता है उनका ब्रीडिंग सीजन, जिसके लिए उन्हें होती है एक सेफ जगह की तलाश जहाँ पे वो अपना घर बना सकें। इस तलाश में कभी वो मेरे घर के ट्यूबलाइट्स पे बैठती हैं, कभी फ़ैन, एसी, पर्दे या जहाँ भी जगह मिले वो अपना घर ढूंढने में लगी रहती हैं। तो इस बार मैं उन्हें गिफ्ट में देने वाली हूँ क्यूट से बर्ड हाउसेस। उसके लिए मैं इसकी 10 दिन पहले से शुरू की हुई तैयारी की तरफ आपको ले जाती हूँ। तो सबसे पहले अपने कारपेंटर भैया से करी मैंने मीटिंग सेट और कुछ सैंपल पिक्स के साथ अपने रिक्वायरमेंट्स बताई कि मुझे कैसे घर चाहिए। उन्होंने बात तो सुन ली लेकिन कहीं और बिजी होने की वजह से मेरा काम हो गया डिले। फिर 3-4 दिन बाद गई उनके घर, जिससे मैं अपना काम टाइम से कंप्लीट करा के ले आऊँ। बिल्डिंग्स तो बन गए थे पर एंट्री गेट, विंडोज, सिटिंग स्पेस और फिनिशिंग की कमी थी, जिसको डिस्कस करके वहीं पे कंप्लीट कराना शुरू कर दिया। एक क्यूट सा बच्चा भी मिला यहाँ पे, जो कभी अपने में बिजी रहता तो कभी मशीन्स की आवाज़ पे डांस कर रहा था। चिड़ियों के घर ऑलमोस्ट रेडी हैं, जिनमें एक घर पे चिमनी भी इंस्टॉल करा रही मैं तो। अब इन घरों को मैं लेके आ गई हूँ अपने घर, जहाँ मैं करने वाली हूँ इनका मेकओवर। यहाँ पेपर बिछा के प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले हल्के भीगे कपड़े से सारे घर अच्छे से साफ कर लूँगी, फिर बेस कलर शुरू करूँगी। जितने कलर्स थे मेरे पास सबको ले लिए मैंने, और अब शुरू करते हैं बर्ड हाउसेस को नया लुक देना। Thank you.
सबका बेस पेंट हो चुका है जिसको मैं 6 घंटे के लिए अच्छे से सूखने को रख दूंगी और फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू करूंगी। तो सबसे पहले ले लिया है एक ग्रे वाला एक ब्लैक मार्कर के साथ, जिससे कुछ डूडल्स बना लेते हैं। इस पे चॉइस के कलर से इसको और वाइब्रेंट लुक दे देते हैं। व्हाइट और स्काई ब्लू वाले पे भी डूडलिंग कर लेते हैं सिंपल सी। धूप इस तरफ आ चुकी है और साथ में एक मक्खी अपना काम धाम छोड़ के मेरे काम के पीछे पड़ गई है। नीचे ग्रीन से थोड़े से ग्रास भी बना देती हूँ।
चारों बर्ड हाउसेस जो हैं वो पोजीशन लेने को बिल्कुल तैयार हैं, तो इनको मैं फटाफट से सही जगह देख के सेट करा लेती हूँ। इन बर्ड हाउसेस को 7 से 9 फीट के हाइट पे इंस्टॉल करा लिया है, जिससे बर्ड्स प्रेडेटर से बच सके और प्राइवेसी भी मेंटेन हो सके। तो भाई मैंने तो वर्ल्ड स्पैरो डे का गिफ्ट तो दे दिया है, बस देखना ये है कि मेरे गिफ्ट्स स्पैरोज को पसंद आते हैं कि नहीं, वो इन घरों में जाती हैं कि नहीं, और जाती भी हैं तो घोंसला बनाती हैं कि नहीं। बस दुआ है कि मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो जाए। मेरी मेहनत सफल होती है कि नहीं वो मैं आपको बताऊंगी लिटिल कन्वर्सेशंस के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप भी स्पैरोज को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है जब आप बर्ड हाउसेस अपने घरों में लगा के ट्राई कर सकते हैं उन्हें इनवाइट करने का। मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें बर्ड से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए। टिल देन हैप्पी वर्ल्ड स्पैरो डे टू यू ऑल।